हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है चेस्ट वर्कआउट के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक दो काम है, उसके बाद जाएंगे जिम। और एक भाई का बर्थडे भी है। बर्थडे वैसे आज नहीं था, और बर्थडे था एक हफ्ते पहले। वैसे इस केक जो अभी कट होगा, इस केक के दो तीन रीज़न है। सबसे पहला कि उस भाई का बर्थडे था, और अभी देख लेना वीडियो में आएगा, ठीक है, जो जिस भाई का बर्थडे था। और नंबर सेकंड, भाई को एक अवार्ड मिला था, वो मेरे को पता नहीं पूरा अच्छे से कि किस लिए मिला था। बस मुझे ये पता है कि उनकी कंपनी ने, जो हीरो है, उन्होंने एक साल में, हर साल मतलब वो 1.25 करोड़ की बिजली बचा रहे थे, ऐसा कुछ है। पूरा अच्छे से मेरे को नहीं पता है, पूरा ऑल पूरे वर्ल्ड में था वो, जो भी था फर्स्ट उनको मिला था, और सेकंड पता नहीं किसको मिला था, बाकी सब थे वहाँ पे जो भी थे। तो सेकंड ये था, उसका सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, केक के साथ। और थर्ड, वो केक मुझे अच्छा लगता था। तो तीन रीज़न ये थे, ठीक है। पहला मैंने आपको बता ही दिया, बर्थडे था। दूसरा अवार्ड, और तीसरा मेरे को केक अच्छा लगता था, ठीक है। तो अभी पहले जाएंगे, एक दो काम है वो निपटाने मुझे, वो शायद व्लॉग में ना दिखा पाऊँ मैं। दूसरा ये, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना है। थर्ड पे अपना जाएंगे जिम, और फिर दिखाता हूँ आपको पूरा वर्कआउट। बढ़िया नहीं आ रहा टर्थ? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। तो भाई सेलिब्रेशन हो चुका था पूरा, और अब जा रहा हूँ जिम। बातें कम, मिलते हैं वापस जिम में। तो भाई फर्स्ट सेट ले रहा हूँ मैं अपना वार्म अप सेट बटरफ्लाई से। इसके मैंने दो सेट लिए थे, और दोनों सेट में मैंने 45 अराउंड रैप्स निकाले थे। अब चलते हैं अपना फर्स्ट सेट की तरफ। तो भाई पहला सेट ले रहे हैं फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। और पहला नहीं, वैसे मेरा दूसरा सेट था, और ऐसे मैंने तीन सेट लिए थे। पहला सेट जो लिया था मैंने 20 के डंबल से लिया था, और आपको पहले सेट में कम से कम 15 रेप निकालने हैं। दूसरा मैंने जो लिया था मॉडरेट वेट से, ये 25 का डंबल है, इससे मैंने 8-9 रेप निकाले थे। और इसमें आपको क्या करना है, मैं तो हल्के से हाथ और नीचे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको ऊपर हाथों को हिट करना है। ऊपर जितना हिट करोगे उतना ही अच्छा सा आपको इफ़ेक्ट लगेगा चेस्ट पर। और डंबल को हो सकता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लेना, इससे क्या होगा, अच्छे से पंप आएगा और चेस्ट भी पहले ही सेट में भर जाएगी। इसके आपको तीन सेट लेने हैं। लास्ट सेट फेलियर ले सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे ले सकते हो। मैंने लास्ट सेट फेलियर लिया था अच्छे से एकदम, आप भी ऐसे ले सकते हो। दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है अपना। दूसरा सेट ले रहे हैं डंबल प्रेस इंक्लाइन बेंच पे। तो इसमें क्या करना है, आपको फील करना है अच्छे से, और जितना भी आप स्लो आप रखोगे डंबल को उतना अच्छा आपको रिजल्ट में मिलेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, डंबल आपको थोड़ा सा अपर चेस्ट पे ही लेने हैं, अपर चेस्ट का जो पार्ट है वहाँ आपको लेने हैं। इसमें भी आपको वही 15 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन, 8 रेपिटेशन लेने हैं, ठीक है। लास्ट वाला फेलियर भी ले सकते हो वेट ड्रॉप करके, उससे अच्छा और रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने ये अपना इसके भी तीन सेट हमने कंप्लीट किए थे। तीनों सेट दिखाता तो वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए आगे मिलते हैं। यही मैंने दूसरा सेट अपना 25 के डंबल से लिया था, क्योंकि इस पर ठीक ठाक वेट चल जाता है, तो आप भी ले सकते हो इजली। 30 तक भी ले ही लेता हूँ मैं इस पर,
तो ऐसे करके आप वेट बढ़ा के आप इस पर 3 सेट आपको लेने हैं। मेरे पास दूसरा ये एक और मैंने वीडियो बनवा लिया था दूसरे सेट का, लेकिन मैंने 3 सेट लिए थे इस पर। 3 सेट लेने हैं आपको, रेपिटेशन अच्छे एकदम निकाल के, ज़्यादा रेपिटेशन जितने हो सकते हैं उतने निकालो। अभी हो चुका है अपना 3rd सेट स्टार्ट, और 3rd सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन पे ले रहे हैं बारबल रोड, ठीक है। अच्छा सा वेट डालो फील करके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी बैक है, कमर है, ठीक है, उसमें आर्क अगर बन जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा चेस्ट लगाने में। तो उसमें आर्क बना के नीचे तब चेस्ट लगाना, ठीक है। चेस्ट बार होनी चाहिए पूरी, आर्क बना के नीचे और तब चेस्ट लगाओ, बिल्कुल फील करके एकदम पूरा चेस्ट फील करोगे आप चेस्ट पे। अब अपना जो अपना 1, 2, 3, अभी अपना 4th सेट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 4th सेट ले रहे हैं हम डिक्लाइन पे, ये लोअर चेस्ट के लिए होती है बेसिकली, ठीक है। तो लोअर चेस्ट पे मैं रोड ही मुझे इस पे अच्छी लगती है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। देखो मैंने इसमें चेस्ट की जो मूवमेंट थी, जहाँ पे मैं पहले रोड ले रहा था और वहाँ पे और यहाँ पे मैंने अपने हैंड की मूवमेंट चेंज कर दी है। अब मैं लोअर पे ले रहा हूँ, जो रोड को ले रहा हूँ, मतलब जो हमारी चेस्ट का नीचे जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। इसके भी मैंने 3 सेट लिए थे, वही 15, 12, 8, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी निकालने हैं बिल्कुल लास्ट तक, जितना भी अच्छे से निकाल पाओ। अब आता है अपना 5th सेट, ये मेरा फेवरेट है। चेस्ट एकदम ऐसी फील होती है भाई जैसे फट गई हो चेस्ट, ठीक है, और अच्छा भी लगता है एकदम। लाइट वेट से लगाओ, रेपिटेशन ज़्यादा निकालो, फ्लैट बेंच पे फ्लाई डंबल जितना फील कर सकते हो उतना फील करके जितना वेट चला सकते हो, बट लाइट वेट से अगर ज़्यादा रेपिटेशन निकालोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये देखो और इसको अच्छे से फॉलो करो। अभी इसके बाद है हमारा लास्ट सेट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ओके, तो दोस्तों लास्ट सेट है हमारा ये पुल ओवर डंबल, ठीक है। इसमें आपको जो हिप है अपना थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है, और लेग्स को भी क्लोज ही रखना है, ज़्यादा गैप नहीं करना है, और पूरा चेस्ट पे फील करके डंबल को पीछे ले जाके चेस्ट तक ही लेके जाना है, क्योंकि ये सेट हमारा बैक में भी लगता है, बट आई थिंक बैक के लिए पूरा डंबल पीछे स्ट्रेच करना पड़ता है। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट पे फील करके माइंड मसल कनेक्शन, इसलिए बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके भी आपको 3 सेट निकालने हैं ऐसे ही, 15, 18 या जितने भी रेपिटेशन आप निकाल सकते हो। लास्ट सेट है तो आप 4 भी ले सकते हो, क्योंकि फील होना चाहिए घर तक कि आपने अगले दिन तक भी चेस्ट लगाई थी। ओके, चलो मिलता हूँ आगे। तो भाई वर्कआउट हो चुका था ख़त्म, आ गया था मैं जिम से, मज़ा आ गया चेस्ट वर्कआउट के। आप भी इसको फॉलो करना अगर मज़ा लेना तो। बाकी मौसम हो रहा है बढ़िया और मेरा कर रहा है पनीर के पकोड़े खाने का मन, तो अब बनाऊंगा मैं अपने लिए पनीर के पकोड़े। ऐसे भी गेनिंग कर रहा हूँ तो बनती है ऐसी मील, तो किसी को खाने होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब दिखाता हूँ पकोड़े और उसके बाद ब्लॉग करते हैं एंड। चलो मिलते हैं पकोड़ों के साथ। ओए होए भाई, मैंने कुछ खा लिया, ठीक है, अंदर से भी दिखा देता हूँ, कभी सोचो कि झूठ बोल रहा हूँ पनीर के नहीं है, होता है ना सर। ये देखो, ये देखो भाई, फुल पनीर। आहा, चलो खा के मिलता हूँ आगे जो भी करेंगे। तो भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि पकोड़े भी ख़त्म, व्लॉग भी ख़त्म। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में आगे। थोड़ा भाई कमेंट वमेंट कर दिया करो किस चीज़ के लिए ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, ठीक है, उसी के लिए ऊपर मैं ले आऊँगा वीडियो। फिर जैसे एक नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, ठीक है, तो वो वीडियो आप देखना, बहुत काम का वीडियो होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी दबा देना सब्सक्राइब वाली, ठीक है। अगला वीडियो जब आएगा ना पता चल जाएगा आपको। चलो बाय।